जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से अपने चैनल जॉब ज्ञान ऑफिशियल पर। दोस्तों हम बात करेंगे GDS रिजल्ट 2022 को लेकर, जिसमें बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो DB से है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो GDS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसके वहाँ से आपको जो अपडेट मिल कर आई है तो हम आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि GDS में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है और नॉन सेलेक्टेड दोनों के लिए अपडेट है, ठीक है, तो दोनों को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं GDS में कि GDS में दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ले जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लड़के जो जा रहे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, हाँ बहुत सारे लड़कों का रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है चलिए हम आपको बता देते हैं। ट्वीट के माध्यम से एक लड़की थी, ठीक है, उनका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका मेरिट नहीं आया तो उसके बाद वो ट्वीट की कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद में मुझे नाम मैसेज कुछ नहीं आया, तो उसने जवाब दिया है ट्वीट। तो चलिए आपको ट्वीट के माध्यम से बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक ट्वीट आया है, ठीक है, उसमें देखिए क्या लिखा है, अपलोडिंग डेट ऑफ बर्थ ऐसी SSC सर्टिफिकेट मैंडेटरी, मतलब कि SSC जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, ठीक है, नो एंड नोटिफिकेशन ऑफ GDS एंड थर्ड सर्कल शॉर्ट। और एक बात और बता दें आप लोग को, बार बार हम आप लोग को बोल रहे हैं कि इसमें सेकेंड लिस्ट भी आएगा, बहुत सारे लड़के बहुत ज़्यादा ये हो गए कि सर सेकेंड लिस्ट कब आएगा, थर्ड लिस्ट कब आएगा। देखिए जैसे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस हिसाब से सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट सब आएगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है, सब आएगा। देखिए ज्वाइनिंग द सेट कैंडिडेट बी केप्ट होल्ड अंटिल रिसिप्ट ऑफ फादर होल्डर ऑफ हायर सेक्योरिटी, दिस इज फॉर इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन प्लीज़। ये इन्फॉर्मेशन गलत दिया थी, SSC सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ में एक और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हम बताते हैं जो है कंप्यूटर, 1 साल का जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो आप जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाइएगा। ये दोनों आपको GDS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये 100% है। 2 बच्चे भी गए थे, ठीक है, कुछ हमारे दोस्त भी, उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ तो वो लोग भी गए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, आप लेकर जरूर जाइए, नहीं तो आपको ये रिजेक्ट कर देगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जानकारी कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।